आज मैं बताऊंगी पनीर और प्याज का पराठा इतना टेस्टी ना कि अगर आपने एक बार बना लिया तो आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आधा किलो के करीब पनीर लिया है। पनीर कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे मीडियम साइज के दो प्याज को बारीक काट के लिया है। आप चाहें तो चॉप करके ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं काट करना है, यानी चॉप करने में पीसना नहीं है, इसे हमें बारीक काट के ही डालना है ऐसे बारीक। और इसमें धनिया डाल दिया है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और अदरक को भी मिक्सी जार में दरदरा पीस के डाला है। यहाँ पे डाला है आधा चम्मच के करीब काली मिर्च और नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पे ज़्यादा मसाले मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे भुना हुआ धनिया जीरा सौंफ का पाउडर डाल सकते हैं, पर आप बिना डाले बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैंने कई बार कई तरीके से बनाया है, पर सबसे अच्छा रिजल्ट इसी पराठे पे आया है। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस इन्हें हमें सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए बिना मसाले का पराठा भी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और बस स्टफिंग को एक साइड रखेंगे। अब इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे आटा लिया है और आटे में हमने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि स्टफिंग में भी नमक डाला है, यहाँ पे थोड़ा ही नमक डालिएगा। और एक चम्मच तेल डाला है, ये जो खाने वाला चम्मच होता है ना, बस उसी चम्मच से एक चम्मच तेल डाला है। इससे ना थोड़े से सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं पराठे। तो बस इसका आटा भी लगा लिया है गूंथ के, पनीर के आटा गूंथ लीजिए। और जो आटा गूंथना है ना, ये बिल्कुल ढीला गूंथना है, यानी टाइट कर देंगे ना तो आपके पराठे फटेंगे। और जब भी आप ढीला करके आटा गूंथेंगे तो उससे पराठे फटते नहीं हैं। आप ये ज़रूर याद कीजिए, कोई भी स्टफिंग का पराठा बना रहे हैं ना, तो आप आटा उसमें ढीला गूंथिए तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और बस इसे देखिए, हमने अच्छे से लोई बनाई है, लोई में स्टफिंग भर दी है और हाथों से इसे चिपका दिया है, थोड़ा सा हाथों से बढ़ा लिया है। और ये सूखा आटा लगा के हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। और ये देखिए, हमने थोड़ा सा हाथों से इसे बढ़ा लिया था ना, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको बेलना नहीं पड़ेगा। और बस ये देखिए, पराठे हमारे बन गए हैं। अब इसे हम सेकेंगे। तो ऐसे ही पहले आप बेल सकते हैं एक साथ, या फिर बेलते हुए बना सकते हैं। और गैस, जब भी आप पराठे बनाते हैं ना तो गैस मीडियम ही रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे पराठे बहुत अच्छे सिकते हैं और क्रिस्पी करारा आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने शुद्ध सरसों के तेल से बनाया है। आप चाहे तो रिफाइंड घी जिस चीज़ से भी आप बनाते हैं ना, आप ले सकते हैं। और बनाने के बाद ना देसी घी या फिर बटर से इसे सर्व की जगह ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पराठे हमारे बन चुके हैं, देखिए ना तो ये फटा है और ये फैल भी नहीं रहा है। बस ये हमने प्याज काट के डाली है ना, इसलिए थोड़ी सी प्याज दिख रही है। तो देखिए फैला नहीं है, पर पराठे बहुत अच्छे बने हैं। और ये हमने टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनाई है और सैलेड के साथ में इसे सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।